नमस्ते, आई एम मीना चौधरी फ्रॉम GWPC भरतपुर। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के बारे में ब्रॉडली डिस्कस किया था। हमने देखा था कि एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में एक सिविल इंजीनियर का क्या रोल होता है। उसमें हमने देखा था एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की पर्टिकुलर ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया था, वाटर सप्लाई, सीवेज एंड एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। उसमें हमारा जो फर्स्ट था वाटर सप्लाई, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है वाटर डिमांड। तो वाटर डिमांड के बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर डिमांड को बेसिकली कई तरीके की होती है। वाटर डिमांड को हम डोमेस्टिक वाटर डिमांड में कैटेगराइज कर सकते हैं, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड में, फायर डिमांड में, डिमांड फॉर पब्लिक यूज एंड कंपेंसेशन लॉसेस डिमांड। इनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे वन बाई वन। सबसे पहले हम देखते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड में बेसिकली हमारे जो घरेलू क्षेत्र में जितना भी वाटर रिक्वायर होता है वो आता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड में। जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, बाथिंग पर्पज़ के लिए, कुकिंग या वॉशिंग पर्पज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बात करें तो ये जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है इसकी फ्लक्चुएशंस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है लोगों की हैबिट्स पे, सोशल स्टेटस पे उनके, और क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ साथ कस्टम्स पे भी एक तरह से डिपेंड करती है। अगर अपन देखें फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक कंडीशंस किस तरह से डोमेस्टिक वाटर डिमांड को अफेक्ट कर सकती है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम विंटर एंड समर सीजन को कंसिडर करके चले, या फिर कंट्रीज़ को कंपेयर करें एक जगह जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्लाइमेट जो होता है वो कोल्ड रहता है, और एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, तो जो हॉट क्लाइमेट वाला एरियाज है वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, वाटर कूलर्स की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ वाटर का कंजम्पशन बढ़ेगा। इसी तरह अगर अपन बात करें कि इंडियन सिटीजन के लिए जो ऑन एन एवरेज एक दिन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो अराउंड 135 लीटर्स होती है। अगर अपन बात करें वाटर डिमांड को मेज़र किस तरह से करेंगे, यानी कि इसके यूनिट के बारे में, तो वाटर डिमांड को हम बेसिकली लीटर्स पर कैपिटा पर डे यानी कि एलपीसीटी में मेज़र करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स है कुछ 1172-1171, इनके अकॉर्डिंग अपन देखें तो जो हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया है डोमेस्टिक वाटर के लिए वो हम 135 एलपीसीटी लेके चलते हैं। अगर अपन इसको फर्दर कैटेगराइज करें तो अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग एक्टिविटी के लिए वाटर की डिमांड अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल वॉशिंग के लिए हम जनरली 10 एलपीसीडी लेके चलते हैं यूटेंसिल्स के लिए। अगर अपन वही बात करें वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स की, तो वहाँ पे अपन जनरली 20 एलपीसीडी के अराउंड लेकर चलते हैं। तो ऑन एन एवरेज या फिर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेटेड अमाउंट जो होता है डोमेस्टिक वाटर का वो अराउंड 55-60% होता है टोटल वाटर कंजम्पशन का। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक वाटर होता है उसका टोटल कंजम्पशन में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा जो वाटर डिमांड होती है वो होती है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। बेसिकली कमर्शियल डिमांड में जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स और सेंटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल्स हो गए, टेंपल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टेशंस हो गए, तो इनमें जो ये जो पब्लिक प्लेसेस या कमर्शियल प्लेसेस हैं यहाँ पे जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कंसिडर करते हैं कमर्शियल वाटर डिमांड में। जनरली इसको अपन लेके चलते हैं 45 एलपीसीडी के अराउंड। इसी तरह अगर अपन इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रीज़ की पर्टिकुलर तरह की, मतलब किस तरह की इंडस्ट्री है और क्या उसका शेप एंड साइज है उस पर डिपेंड करता है वाटर डिमांड। यानी कि अगर इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल। अगर अपन देखें कई तरह की इंडस्ट्रीज होती है, फॉर एग्जांपल पेपर मिल्स हो गई, क्लॉथ मिल्स हो गई, कॉटन मिल्स हो गई, या फिर सुगर रिफाइनरीज हो गई। इसी तरह से अगर अपन एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन लेके चले तो इसका जो पार्ट होता है वो अराउंड 20-25% ऑफ टोटल वाटर कंजम्पशन होता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारी जो वाटर की डिमांड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को छोड़ के जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट हम इस टेबल में देख सकते हैं।
मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी वो हमें दे रखा है. फॉर एग्जांपल अगर अपन ऑफिसेज की बात करें तो ये अराउंड अपन लेके चलते हैं 45 LPCD के अराउंड लेके चलते हैं. इसी तरह से अलग अलग बिल्डिंग के लिए इस टेबल में हम अलग अलग वाटर की डिमांड लेके चलते हैं और कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं. ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग दी गई है. नेक्स्ट हमारी वाटर डिमांड होती है सबसे मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो होती है फायर डिमांड. अगर अपन बात करें फायर डिमांड के बारे में तो अपन देखते हैं कि कहीं कई बार किसी ना किसी वजह से फायर ब्रेकआउट हो जाती है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. अब जो फायर का ब्रेकआउट है वो किसी भी पर्पज से हो सकता है या किसी भी वजह से हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल्स है तो उसकी वजह से फायर कैच हो सकती है, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, या फिर कुछ लोग जानबूझ के जो क्रिमिनल पीपल्स होते हैं वो जानबूझ कर इंटेंशनली फायर ब्रेकआउट कर देते हैं, या फिर किसी भी सामयिक या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कई बार फायर ब्रेकआउट हो जाती है. तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. और ये जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है ये हम प्रोविज़न लेके चलते हैं हमारे वाटर सप्लाई की मेंस में फायर डिमांड के लिए. इसको हम कैलकुलेट करने के लिए कई तरह के फॉर्मूलाज दे रखे हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूलाज, तो हम इनके बारे में वन बाई वन डिस्कस करेंगे. हमने देखा है कई लार्ज सिटीज़ में जो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है या वाटर मेन्स होते हैं उनमें पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद फायर हाइड्रेंट्स लगे हुए होते हैं. उन फायर हाइड्रेंट्स का पर्पस यही होता है कि कहीं पे फायर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम नोजल्स के थ्रू वाटर का कंजम्पशन कर सकते हैं वहाँ से. अगर अपन बात करें कि फायर डिमांड कैलकुलेट किस तरह से करते हैं तो फायर डिमांड दोस्तों बेसिकली जो होती है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है पर्टिकुलर सिटी की. सिटी के साइज से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाते हैं. कई फॉर्मूला है जो लार्ज सिटीज़ के लिए सूटेबल है और कई है जो मॉडरेट सिटीज़ के लिए. अगर अपन बात करें नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले में हमें क्यू जो दे रखा है वो क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन लीटर्स पर मिनट है. एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाए तो इनके यूनिट्स को स्पेसिफिक हमें ध्यान रखना पड़ेगा. पी यहाँ पे पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स है किसी भी सिटी के लिए. और ये जो फॉर्मूला है ये मोस्टली सूटेबल होता है ऐसे टाउन्स के लिए जहाँ पॉपुलेशन अराउंड 2 लाख के आसपास होती है. नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है फ्रीमेंस फॉर्मूला. और इसमें भी बेसिकली जो दे रखा है वो हमें दे रखा है पीरियड ऑफ अक्रेंस इन ईयर्स और भी यहाँ पे वही पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स है. ये फॉर्मूला भी इंडियन सिटीज इंडिया जैसे बिग सिटीज़ के लिए या लार्जली पॉपुलेटेड एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है. हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कुछ लिंक्स फॉर्मूला की तरफ जो कि सूटेबल है लो ऐसे टाउन्स के लिए जहाँ पे लो बिल्डिंग्स हैं. सूटेबल है ऐसे टाउन्स के लिए जहाँ हाई बिल्डिंग्स हैं, मोस्टली कॉलोनीज के लिए या फिर हाईली डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ के लिए. तो ये फॉर्मूला मोस्टली हम इंडियन सिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये बेटर रिजल्ट देता है हमें. लास्ट फॉर्मूला हमारा फाइन कैलकुलेशन जो होता है बस ट्रांस फॉर्मूला. यहाँ पे पी पॉपुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा इन थाउजेंड्स से. नेक्स्ट हमारी डिमांड आती है डिमांड फॉर पब्लिक यूज़. अगर अपन बात करें कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के अलावा जो हमारे होते हैं पब्लिक प्लेसेस, फॉर एग्जांपल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स, क्लीनिंग और वॉशिंग ऑफ रोड्स. नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक पार्क्स या पब्लिक गार्डन्स, फाउंटेन्स, इन सब में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि पब्लिक यूज़ के अंडर आती है. अगर अपन बात करें तो ये जो डिमांड फॉर पब्लिक यूज़ है ये हम अराउंड लेके चलते हैं 5% ऑफ द टोटल वाटर कंजम्पशन. अगर अलग अलग पब्लिक पर्पज़ के लिए भी हमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स दे रखी है जो हमें इस टेबल में देख सकते हैं. नेक्स्ट अगर अपन बात करें लाइफ स्टॉक की, यानी कि हमें जीव जंतुओं की अगर बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल के टाइप पे डिपेंड करता है. अलग अलग एनिमल्स का वाटर कंजम्पशन अलग अलग होता है. अगर अपन काऊ और शीप को कंपेयर करें तो काऊ का वाटर कंजम्पशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू शीप. अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर वाटर को अपन इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो पब्लिक पार्क्स है या प्राइवेट गार्डन्स है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगा. नेक्स्ट लास्ट हमारा जो है हमने देखा है कई बार कि हमारे सिस्टम में लॉसेस होते हैं. ये लॉसेस कहीं किसी भी तरीके से हो सकते हैं. ये हो सकता है हमारे सिस्टम में फॉल्टी जॉइंट्स हो या फिर हमारे सिस्टम में कहीं पे लीकेज हो रहा हो, या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि
कहीं पे चोरी हो रही हो, यानी कि थेफ्ट लॉसेस भी वहाँ पे हो सकता है। तो ये जो डिमांड होती है एडिशनल वाटर की, ये आती है हमारी कंपेंसेट लॉसेस डिमांड में आती है। दोस्तों हम कई बार सप्लाई करते हैं उतना का उतना वाटर हमारे लास्ट एंड तक नहीं पहुँच पाता है, उसका रीज़न यही होता है। तो हमारे जो ये लॉसेस होते हैं अनवांटेड, इनके लिए भी हम वाटर सप्लाई में प्रोविजन लेके चलते हैं, जिस जो कि अराउंड 15% ऑफ द टोटल वाटर कंज्यूमशन होता है। आज के चैप्टर में हमने बात की है वाटर डिमांड के बारे में। दोस्तों ये वाटर सप्लाई सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट होती है पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग की, जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में देखेंगे। नमस्ते।